हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मल्टी सुपर टेक्निकल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक स्टेटस वीडियो मेकर ऐप के बारे में, जिसमें अपने फोटो का स्टेटस बना सकते हो और ऑलरेडी इसमें बहुत सारे ऐसे टेम्पलेट बने होते हैं जो आप उसे यूज कर सकते हो। तो बस आपको करना क्या, आपको उसमें स्टेटस बनाना है। तो आप कैसे स्टेटस बना सकते हो और उस ऐप का नाम क्या है, मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, आप मेरे वीडियो पर बने रहें। अगर आप मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, मैं इस ऐप का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना या प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लेना। इसका ऐप का नाम है लोनली। लोनली ऐप है, इस तरह का आइकॉन है, ये देखो यहाँ पे इस तरह का आइकॉन है। उसके बाद आपको करना है कि आपको इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों, इसमें बहुत सारे ऐसे टेम्पलेट मिल जाएंगे तो आप उसको यूज कर सकते हो अपने स्टेटस के लिए। तो इसे ऐप को मैंने ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको यहाँ पे कैटेगरी दिख रहा है, सबसे ऊपर आपको यहाँ पे कैटेगरी दिख रहा है। जो भी आपको कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। किसी भी कैटेगरी में आपको स्टेटस बनाना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको करना है कि आपको यहाँ पे थ्री डॉट दिख रहा है तो आपको थ्री डॉट पे जाना है। थ्री डॉट पे जाने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, माई करेक्शन में जाना है। तो माई करेक्शन में ये है कि आप जो भी वीडियो बनाओगे यहाँ पे टेम्पलेट यूज करोगे और अपने फोटो का जो स्टेटस बनाओगे आपको यहाँ पे शो करेगा। अगर आप सेव करती हो तो माई करेक्शन में शो करेगा। तो दोस्तों, उसके बाद आपको करना है कि आपको इन्वाइट करना है अपने फ्रेंड को, आप इन्वाइट भी कर सकते हो। उसके बाद आपको अगर इसको ऐप को फेसबुक पे लाइक करना था या फेसबुक पे भी पेज बना हुआ है इसका, तो आप फेसबुक पे भी इसे लाइक कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद इंस्टाग्राम पे है तो इंस्टाग्राम पे भी आप इसको फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पेज बना हुआ है इसका। उसके बाद आ जाते हैं बैक। तो बैक आने के बाद दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको इसमें यूज़ कैसे करना है और अपना स्टेटस कैसे बनाना है। तो जैसे कि ये टेम्पलेट हम यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे ये टेम्पलेट है तो इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे इस तरह का टेम्पलेट आ गया। तो आपको करना है क्या है, आपको यहाँ पे क्रिएट वीडियो पे जाना है। ये देखो क्रिएट वीडियो नीचे है, आपको क्रिएट वीडियो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, ये टेम्पलेट डाउनलोड हो रहा है हमारा। तो आप देख सकते हो मेरे वहाँ स्क्रीन पे, ये देखो डाउनलोड हो रहा है हमारा टेम्पलेट। तो ये 100% हो जाएगा तो ये हमारा डाउनलोड हो जाएगा टेम्पलेट। तो ये डाउनलोड हो चुका है टेम्पलेट। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको करना है कि आपको नीचे सबसे पहले आपको यहाँ पे प्लस का आइकॉन दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे एक दिख रहा है प्लस का आइकॉन, तो आप यहाँ पे एक फोटो लगा सकते हो अपने यहाँ पे। तो यहाँ पे प्लस का आइकॉन है तो मैं यहाँ पे प्लस पे जाऊंगा और अपने कोई एक फोटो वॉलपेपर अपना लगा लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से मैं अपने वॉलपेपर पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं अपना एक वॉलपेपर ऐड कर लेता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे मेरा वॉलपेपर है तो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद आपको करना है कि डन कर देना यहाँ पे, तो मैंने डन कर दिया। उसके बाद इसको दोबारा डन कर देना। दोस्तों, ये मेरा फोटो ऐड हो चुका, तो मैं आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिखा देता हूँ। ये मैं आपको ऐड करके दिखा रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो। ये देखो मेरे मोबाइल स्क्रीन पे इस तरह का मेरा स्टेटस बन चुका है, आप देख सकते हो मेरे मोबाइल स्क्रीन में। तो इस तरह आप यहाँ पे स्टेटस बना सकते हो। उसके बाद आपको करना है क्या, यहाँ पे एक्सपोर्ट है तो आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हो इसको। यहाँ पे यहाँ पे इसका वाटरमार्क आ रहा है तो आपको इसको वाटरमार्क को आपको रिमूव करना है, तो आप कैसे कर सकते हो। तो आपको करना है क्या, आपको यहाँ पे ऊपर वाटरमार्क का आइकॉन दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे आइकॉन दिख रहा है वाटरमार्क का। उसके बाद आपको करना है क्या, इसका वाटरमार्क हटाना है तो आपको करना है क्या, आपको यहाँ पे वाटरमार्क का आइकॉन दिख रहा है, ये देखो सबसे ऊपर आपको एक वाटरमार्क का आइकॉन दिख रहा है, तो आपको करना क्या, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे वॉच वीडियो है तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ सेम, तो दोस्तों आपको यहाँ पे लिखा हुआ रिमूव वाटरमार्क, वॉच वीडियो टू रिमूव वाटरमार्क। तो आपको यहाँ पे एक वीडियो देखना, शॉर्ट वीडियो है 30 सेकंड का, आपको यहाँ पे वीडियो कंप्लीट देखना, उसके बाद इसका वाटरमार्क लोगो हट जाएगा। तो मैं आपको ये पूरा कंप्लीट करके दिखा रहा हूँ प्रोसेस। यहाँ पे ऐड पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद ये हमारा वाटरमार्क वीडियो ऐड हो चुका है यहाँ पे, ये देखो। तो आपको करना क्या, आपको यहाँ पे ये देखो ऐड चल रहा है, तो ये ऐड आपको पूरा कंप्लीट देखना है। तो मैं इस ऐड को पूरा कंप्लीट देख लेता हूँ, उसके बाद इसका वाटरमार्क ऑटोमेटिक हट जाएगा। आप देख सकते हो मेरे मोबाइल स्क्रीन पे, यहाँ पे देख लेना दोस्तों, ये देखो यहाँ पे ये कुछ सेकेंड रह गए तो ये मेरा वाटरमार्क हट चुका है। उसके बाद मैं आपको करता हूँ बैक। मैं बैक करके आपको पूरा प्रोसेस दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये देखो मैंने बैक कर दिया। तो बैक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे मेरा एक्सपोर्ट हो रहा है वीडियो, तो एक्सपोर्ट हो रहा है तो उसके बाद ये वाटरमार्क लोगो नहीं आएगा मेरी वीडियो पे। तो दोस्तों, आप देख सकते हो मेरे मोबाइल स्क्रीन पे मेरा स्टेटस बन के तैयार हो चुका है इस टेम्पलेट में, और बहुत ही बढ़िया और कमाल का लग रहा है, और कहीं भी वाटरमार्क नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हो, इस तरह आप इस ऐप को यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको करना क्या, तो दोस्तों उसके बाद आपको करना है कि आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे देखो एक्सपोर्ट वीडियो है, तो आपको एक्सपोर्ट वीडियो पे करना है। तो ये आपका एक्सपोर्ट वीडियो हो जाएगा यहाँ पे, ये देखो ये मेरा एक्सपोर्ट हो चुका वीडियो। तो आ जाता है बैक। तो बैक आने का दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जो हमने वीडियो एक्सपोर्ट करा तो वो आपको माइक करेक्शन पे आ जाएगा। तो आपको थ्री डॉट पे जाना है, यहाँ पे थ्री डॉट है, तो थ्री डॉट पे जाने के बाद माइक करेक्शन में जाना है। माइक करेक्शन में आप देख सकते हो मेरा ये वीडियो यहाँ पे बन चुका है और यहाँ पे ऐड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट मैं किसी को
तो डायरेक्ट यहाँ से मैं व्हाट्सएप पे भी किसी को सेंड कर सकता हूँ या स्टेटस अपना ही लगा सकता हूँ या इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी लगा सकता हूँ या किसी को सेंड कर सकता हूँ। अब को फेसबुक है, फेसबुक पे भी सेम वही कर सकते हो। तो अगर आपको दोस्तों ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद दोस्तों।